नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। टीकमगढ़ हथकरघा महिला प्रशिक्षण केंद्र पिपरट तहसील की महिलाओं ने कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के नाम डिप्टी कलेक्टर विकास आनंद को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सर, हम महिलाओं को महिला बाल विकास विभाग द्वारा डवाकरा मत से खसरा नंबर 208/2 स्थित ग्राम कीटाखेरा में महिला प्रशिक्षण केंद्र की महिलाओं को कपड़े बनाने, प्रशिक्षण देने तथा हथकरघा लगाकर कपड़े बनाने के लिए भवन बनवाया गया था। सभी समूह की महिलाओं को एक प्लाट आवंटित किया था, जहां प्रशिक्षण केंद्र की महिलाओं द्वारा महिला बाल विभाग द्वारा दी गई राशि से हथकरघा भीम मशीन एवं समस्त उपकरणों को क्रय कर भवन में 25/5/1996 से महिलाओं द्वारा कपड़े बनाने के प्रशिक्षण देने का कार्य चालू था। भवन में लॉकडाउन के कारण कार्य बंद था, तभी मौका पाकर कीटाखेरा सरपंच के पति जगन्नाथ व्यास द्वारा प्रशिक्षण केंद्र का ताला तोड़कर बिजली का मीटर उखाड़ कर लाइन की डोरी, भवन में रखी टेरिकॉट की तौलिया, 500 नग वाबिद, 100 नग केड़ा धागा से भरे 200 नग चरखा, 5 नग हाथकरघा नई तकनीक के 10 नग सरपंच पति ने चोरी कर लिए। साथ ही बाउंड्री तोड़कर अंदर लगे पौधों को जानवर घुसा कर उजाड़ दिए। सरपंच पति द्वारा बाउंड्री के अंदर खुदाई की जा रही है, जिससे हम लोगों ने रुकवाने की कोशिश की तो हमें सरपंच पति ने गंदी गंदी गालियां दी, जिसकी रिपोर्ट हमने जतारा थाने गए जहां पर की, जहां हम लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई और थाने से गालियां देकर पुलिस ने भगा दिया। इस कारण से आज हम लोग सरपंच पति जगन्नाथ व्यास पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग सब प्रशिक्षण की महिलाएँ करती हैं। ज्ञापन देने वाली महिलाओं में बैजयंती कोरी, सावित्री कोरी, राजकुमारी कोरी, द्रौपदी नीमा, रानी दुर्गा शामिल रहीं। हम तो जे चाहते कि हमारा सब काम मिल जाए, हमारे जहाँ को तब वापस, और हमारी जो जमीन है वो सामान मिल जाए, और वो जमीन है वो मिल जाए हमारी भी, हमसे छुड़ाना चाहते हैं, और हम कम रुकते हैं तो भी हमारे आदमन को हमको मारने चाहते हैं। हाँ, रिपोर्ट लेगा नहीं नहीं है हमारी जतारा में रिपोर्ट, सो फिर हम आ जाए हैं। नहीं, रिपोर्ट लेने गए थे तो उन्होंने बोल दी थी दूसरी से बात करने के लिए, नहीं है उन्होंने हमारी रिपोर्ट, सो फिर हम लोग बात करने लगी थी, नहीं जिसने हमारी जांग छीन लाई उसी से बात कर लाई उनने, और बस फिर जीसीपी चल रही थी जब हम लोग गए, अब उनने जीसीपी के जी लोग तो गए तो आज जीसीपी भी नहीं होते के माने जी हमारी आगे को कार्रवाई नहीं किया, साहब हम इसके लिए आए, हमारे लड़का बच्चा क्या करेंगे बाहर, क्या आ नहीं पाए, क्या क्या करें, हमारे आदमी क्या करें, क्या हम करें बताओ। तो कितने लोग हैं आप लोग? हमारे हैं 15 जने, 16 जने, 16 जने हैं, नहीं चल पा रहा है साहब, अब अलग अलग हैं सब, परिवार नहीं चल पा रहा, कोई बाहर गया तो लॉकडाउन में आ ही नहीं पाया है, और कोई से बीमार पड़े हैं, मैं बताओ हम कैसे गुजारा चले, का हम बच्चन हो का पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे बताओ। महिलाओं ने, समूह वालों ने, कला वालों ने जो ज्ञापन दिया है संबंध में कि मेरे साथ जांचती की गई है, मेरा सब सामान खाली गया है, वो मैं भूखे मरने की स्थिति में है। अभी हथकरघा महिला मंडल पिपरट के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें यह आरोप लगाए गए हैं कि सरपंच के द्वारा उनका जो भवन था उसका ताला तोड़ के चोरी कर ली गई है और भवन गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया है। इस संबंध में ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है, इसको हम संबंधित एसडीएम और को भेज के हम इसको दिखवा लेंगे, जैसा भी होगा जो भी संबंधित दोषी होंगे उस पर कार्रवाई हित वरिष्ठ अधिकारी को लिखेंगे। अब ये इस पे चर्चा करके अभी कलेक्टर साहब से चर्चा करके जो भी अभी कुछ कर सकते होंगे उसको हम लोग करेंगे। खबर समय जगत के लिए टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।